जहां एक ओर सीतापुर जनपद के एक गांव की बेटी ने प्रदेश में चौथा स्थान हासिल कर क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है, वहीं महमूदाबाद क्षेत्र के गरीब परिवार से आने वाली बेटी ने जनपद में प्रथम स्थान हासिल कर मिसाल पेश की है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महमूदाबाद कस्बे के बेलदारी टोला में रहने वाली प्रियंका गुप्ता की, जिन्होंने इंटरमीडिएट में सीतापुर जनपद में प्रथम स्थान हासिल किया है। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे उनकी पारिवारिक स्थितियों और पढ़ाई के तरीकों से। आपको बता दें कि प्रियंका के पिता की एक मार्ग दुर्घटना में करीब 14 वर्ष पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद से प्रियंका के बड़े भाई मनीष ने जिम्मेदारी संभालते हुए प्रियंका को पढ़ाना शुरू किया। अपनी पढ़ाई को किनारे कर मनीष ने ठेला लगाकर नगर में कहीं लस्सी, मूंगफली और सीजनल वस्तुएं बेची और अपनी बहन को पढ़ाते रहे। प्रियंका ने भी अपने भाई की मेहनत को देखते हुए पढ़ाई में लगन लगाई, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। प्रियंका भविष्य में IAS बनकर देश की सेवा करना चाहती है। वह अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और गुरुजनों को दे रही हैं। हम लोग पढ़ा रहे हैं महमूदाबाद सीतापुर जिले में इंटरमीडिएट में पहला स्थान लाने वाली प्रियंका गुप्ता से। इनका जीवन बड़े ही उतार चढ़ाव से होकर गुजरा है। पिता की मौत सड़क दुर्घटना में 2006 में हुई। उसके बाद भाई मनीष गुप्ता ने इनके शिक्षण कार्य के साथ साथ इनके जीवन को चलाने की जिम्मेदारी भी उठाई। मूल रूप से बेलदारी टोला में रहने वाले मनीष ने खेला लगा करके परिवार भी पाला, साथ में अपनी बहन को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से शिव प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में दाखिला कराया। उसके बाद से लगातार शिक्षा कार्य में प्रगत करती गई और आज उन्होंने इंटरमीडिएट में जिले में पहला मुकाम हासिल कर अपनी अलग पहचान बनाई है। आइए बात करते हैं प्रियंका गुप्ता से उनके शिक्षा के बारे में, उनके जीवन शैली के बारे में। प्रियंका जी, आपने इंटरमीडिएट में जिले में पहला स्थान हासिल किया है, पहले तो आप बताएं दर्शकों को कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा, दूसरा ये कि ये श्रेय सफलता का आप किसे देना चाहती हैं? अपनी सफलता के श्रेय सबसे पहले अपने भाई, अपनी माता और विद्यालय प्रबंधक प्रधानाचार्य और अन्य गुरुजनों को देना चाहूँगी। आपने पढ़ाई की, परिवार में आपको घर से आने जाने के लिए, फीस के लिए, अन्य तमाम समस्याओं के लिए जूझना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, किस तरह से आपने पढ़ाई की है पूरे जीवन में और ये मुकाम हासिल किया है, थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। हमने अपने जीवन में लगातार 8 घंटे, सुबह 4 घंटे और शाम को 4 घंटे नियमित बनाकर तैयारी की और सिलेबस को 4-5 बार रिवाइज किया इसी प्रकार। और हम आर्थिक तंगी से परेशान थे, इसलिए हमारे गुरुजनों ने, हमारे विद्यालय के प्रबंधक और प्रधानाचार्य ने हमें बहुत आर्थिक सहायता की, इसी तरह से हम इस मुकाम तक पहुँचे। इस समय जबकि बेटियां शिक्षा प्राप्त करें, ग्रहण करें, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काफी दकिया दूसरी बातें सामने आती हैं। बेटियां असुरक्षित हैं, जैसे तमाम सी बातें कह के लोग पढ़ाई से उनको वंचित कर देते हैं, उनकी पढ़ाई रोक देते हैं। ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगी बालिकाओं को? ऐसे में बालिकाओं के घर वालों को ये संदेश देना चाहूंगी, अपनी बेटी को सुरक्षित रखते हैं। स्कूल वालों का भी ये मुकाम होता है कि जिसकी लड़कियाँ पढ़ने आती हैं उनको सुरक्षित, उनकी जिम्मेदारी होती है और अपनी बेटी को पढ़ाए, आगे बढ़ाए। इंटरमीडिएट में जिले में पहला स्थान हासिल करके आपने जो महमूदाबाद को नई पहचान दिलाई है, उसके लिए पावर टीम की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा प्रियंका गुप्ता ने यूपी बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा में जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है और मैं बच्चों के लिए प्रयास करती हूँ, प्रेरणा देती हैं हमारे शिक्षक, मैं स्वयं प्रेरणा देती हूँ कि वे आगे बढ़ें। यदि किसी प्रकार की उनको सहयोग की आवश्यकता पड़े तो हम लोग उनका सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे बच्चों को जो मेधावी हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए आपके द्वारा क्या क्या प्रयास विद्यालय में शिक्षण कार्य के दौरान किए जाते हैं? उनके लिए थोड़ा अलग क्लासेस की व्यवस्था की जाती है और शिक्षकों को प्रेरित किया जाता है कि उनको अलग से ध्यान दे करके उनको और भी प्रेरणा दें
और पढ़ाने का प्रयास करें। यदि कहीं से उनको कोई गलती आती है तो अपने शिक्षकों के द्वारा पूछ सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई चला सकते हैं। और प्रियंका गुप्ता काफी मध्यम वर्गीय परिवार से थी, पिता की डेथ 2006 में हो गई, उसके बाद आर्थिक तंगी का भी शिकार थी, भाई ने मेहनत मजदूरी करके उसकी पढ़ाई की। इस तरह से जब बच्चे आपके पास आते हैं किस तरह से मदद करती हैं आप? हम लोग फीस में काफी मदद करते हैं, अच्छे बच्चों को हमेशा फीस में मदद की जाती है। यदि कोई बच्चा गरीब होता है तो विशेष रूप से उसको आर्थिक पैकेज दे करके और उसको पढ़ाया जाता है आगे भविष्य में, जिससे वो आगे बढ़े। और ऐसे कमजोर और निर्धन छात्रों को पढ़ाने के लिए हमारे यहाँ प्रबंधक जी का विशेष सहयोग रहता है। वह हमेशा कहते हैं किसी भी प्रकार की ऐसे बच्चों को पढ़ाने में बाधा नहीं आनी चाहिए। प्रियंका गुप्ता ने जो मुकाम हासिल किया है, एक अलग पहचान बनाई है जिले में जी, आप कुछ हमारे अन्य दर्शकों को भी मार्गदर्शन करें, उन्हें अपने माध्यम से बताएं जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले मैं उन गार्जियंस को, उन अभिभावकों के लिए संदेश देना चाहती हूँ कि अपने बेटियों को, अपने बेटों को अवश्य पढ़ाएं और उनके जीवन में यदि कोई कठिनाइयाँ आती हैं तो स्वयं संघर्ष करें और उनको आगे बढ़ाएं। और इसके साथ साथ हम लोग भी अपने विद्यालय में उनको पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं और किसी भी मुकाम तक उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं हमेशा।